What is the hair loss? One of the most common disorders that dermatologist diagnose and treat the medical term for hair loss is alopecia. Hair लॉस का जो कॉमन डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के अंदर में उसको जो ट्रीट करते डॉक्टर उसको नाम दिया हुआ है उन लोगों ने एलोपेशिया तो आज आप समझ गए होंगे मैं किस विषय पे बात करने वाला हूँ. आज हम बात करने वाले हेयर लॉसेस क्यों हेयर लॉस होता है और उसके ऊपर हमें क्या चीज़ करना चाहिए क्या दवाई लेनी चाहिए ठीक है तो आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर के अंदर में मेरा नाम है समीर शरद देशकर मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ नई नई जानकारी आप लोगों के पास पहुँच सके और जब भी आप सब्सक्रिप्शन करेंगे वीडियो को जब सब्सक्राइब करेंगे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो साथ ही एक आपको बेल आइकॉन का बटन भी दिखेगा उस बेल आइकॉन को भी आप दबाइएगा ताकि जो भी नया वीडियो में अपडेट करूँ अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे सबसे पहले आप देखें एज ए सब्सक्राइबर तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ा सवाल होता है क्या मेरे बाल क्यों झड़ रहे जब भी हमारे बाल झड़ना चालू होते तब सवाल उठता है कि मेरे बाल क्यों झड़ रहे तो हमारे बाल झड़ते हैं इसके कई कारण होते जो हमारे बाल झड़ते हैं ना इसके लिए कई कारण होते एक होता है स्काल्पे रिंगवॉम आपने नाम सुना है क्या स्काल्पे रिंगवाम नहीं सुना है ना शरीर पे दांत खाच खुजली लिया आपने देखाऊंगा लेकिन आपके शरीर के ऊपर का जो हिस्सा है सर इसके अंदर जो स्काल्फ होता है उसके ऊपर एक रिंगवॉम होता है उसको बोलते स्काल रिंगवॉम हेरिडेट्री यानी वंशानुगत वंश परंपरा के अनुसार हमारे पापा हमारे दादा हमारे परदाता इनके बाल जिस हिसाब से झड़ते पैटर्न बताऊंगा मैं आपको अभी रिसेंटली ऑपरेशन अगर किसी का रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है हाई फीवर <coughs> किसी को बहुत तेज बुखार है केमोथेरेपी कैंसर पेशेंट के ऊपर जो केमोथेरेपी की जाती है वो हुई है आफ्टर प्रेगनेंसी महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद दो तीन महीने बाद जो बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद फॉल चालू होता है बहुत सारा हेयर केयर के प्रोडक्ट यूज़ करने पे, टू टाइट हेयर स्टाइल हम जब हेयर स्टाइल करते हैं तो इस तरह से कस के हेयर स्टाइल करना बांधना बालों को उससे भी होता है उसके बाद होता है एलोपेसिया एरिटा एक एलोपेशिया एरिटा नाम की बीमारी होती है इन सभी के कारण फॉल होता है इतने सारे कारण हैं फॉल के अब यह पता लगाना मुश्किल है एक चुनौतीपूर्ण होता है मुश्किल तो नहीं बोल सकते लेकिन चुनौतीपूर्ण होता है कि आपके बाल क्यों झड़ रहे अगर मेरे बाल झड़ रहे हैं या आपके बाल झड़ रहे हैं तो जो मैंने आपको 9-10 कारण बताया उसमें से कौन सा कारण है ये पहले पता लगाना होता है अगर ये आप जान गए तो किस कारण से आपके बाल झड़ रहे अगर ये आप जान गए तो आप इसका इलाज कर सकते हैं और इलाज करने के लिए सबसे पहले कारण के जड़ तक पहुँचना जरूरी है ठीक है अब हम बात करें स्काल्प केयर की तो स्काल्प यानी पैटर्न क्या होता है स्काल्प का हम देखें तो ये देखिए ये पहला पैटर्न है हमारा स्काल्प स्काल्प का ये हेयर का ग्रोथ हो रहा है ठीक है आप देख रहे होंगे हेयर का ग्रोथ हो रहा है उसके बाद क्या होता है कुछ दिनों बाद ये स्काल्प है ये हेयर ग्रोथ कम हो गया यानी कुछ कुछ हेयर आपके फॉल होना चालू हुए उसके और कुछ दिन बाद और हेयर फॉल चालू हो गया इसमें थोड़े ज़्यादा हेयर है इसमें थोड़े और कम हो जाएंगे आपके हेयर और कुछ दिनों बाद सिर्फ दो तीन दो तीन चार पांच हेयर्स ही आपके स्काल्प पे निकलेंगे ये एक स्काल्प का हेयर लॉस का पैटर्न है ये मैन है ये वुमेन है फोटो बहुत अच्छी नहीं निकली मैं कोई यानी देखा जाए तो आर्टिस्ट नहीं हूँ जैसे मुझे बनी वैसे मैंने बनाया तो एक पैटर्न होता है ये स्काल पे ये यहाँ से यहाँ का जो हेयर है ये सामने का ये गिरना चालू हो गया ये यहाँ पैचेस आने चालू हो गए बाल गिरने की इस तरह से हो गया कुछ दिनों बाद ये और पीछे खसक जाता है ये पीछे खसक गया धीरे धीरे ये पीछे खसकने का ये जो लाइन है सामने वाली ये भी गायब हो जाती है ये गायब होके इस तरह से हो जाता है और कुछ दिनों बाद ये पूरा टकला हो जाता है ये जो हमारे बाल है ना ये पूरे टकले हो जाते ये वूम्स का है महिलाओं का है महिलाओं में देखिए बीच में मांग रहती है जिसमें मांग भरती है महिलाएँ आपने देखा होगा पूरे बाल रहते हैं धीरे धीरे मांग का साइज़ बड़ा होता जाता है ये जो बीच की जो मांग होती है ना इसका साइज़ बड़ा होता जाता है कुछ दिनों बाद ये साइज़ और बड़ा हो जाता है और आखिरी में ये साइज़ ऐसे गोलाकार आकार में हो जाता है और ये क्लियर कट दिखेगा आपको और ये पूरे बाल यहाँ से झड़ना चालू हो जाते ये है पैटर्न स्कैल्प में जो बाल गिरते हैं उसका ये पैटर्न है ठीक है अब सवाल आता है कि क्या बालों का झड़ना संक्रामक है किसी तरह का संक्रमण जैसे हमारे को बीमारी का होता है उसी तरह भी बालों का भी झड़ना या गिरना संक्रामक है कुछ लोगों को संक्रामक बीमारी होती है कुछ लोगों को छुआछूत की बीमारी जिसको हम कहते हैं संक्रामक बीमारी कहते हैं वो होती है इसके कारण बाल झड़ सकते हैं जिनको संक्रमण की बीमारी हुई है उनके बाल झड़ सकते अगर आपको दांत खाज हो जाती है हम पहली चीज़ के वाम बात कर रहे हैं स्काल पे जो वाम हो जाता है रिंग वाम उसकी बात अगर हमको दांत खाज खुजली हो जाती है और रिंग वाम यानी लाल रंग के चकते हो जाते तो ये आपके स्काल पे भी हो सकते हैं जिस तरह से हम मैं आपको बता रहा हूँ संक्रामक बीमारी यानी दाँत खाज खुजली रिंग वॉम ये किसी को हुआ है हमने उसको हाथ लगा दिए हमने हाथ अपने धोए नहीं अपने शरीर पे लगा दिए तो हमको भी हो जाता है तो ये जो बीमारी है ये बीमारी अगर आपको हुई है तो ये आपके स्काल पे भी जा सकती है क्योंकि आप अपने हाथ स्काल पे भी लगाते हैं सर पे भी लगाते हाथ तो ये सर पे भी जा सकती है जिसके कारण रिंग वार्म हो सकता है आपके सर पे भी वही सेम दांत खाज खुजली हो जाएंगे सर पे आने स्काल्प पे आपके ये जो स्काल्प है अंदर का बालों के नीचे वाला भाग उसके ऊपर हो जाएगा अगर आपने सही उपचार नहीं किया तो ये स्काल्प का रिंग वार्म आपके बालों का झड़ने का कारण बन सकता है <coughs> आपके बाल अगर रिंग आपको हो जाता है दांत खास खुजली आपके पे हो जाती है अगर आपने सही इलाज नहीं किया तो ये एक पहला कारण है आपके बाल झड़ने का उसके बाद होता है साइन ऑफ हेयर लॉस इन वुमेन अब हम बात करें महिलाओं में क्या होते हैं लॉस साइंस क्या होते अर्ली साइंस ऑफ हेयर लॉस फॉर उमेन पहला संकेत है उनके क्वानिटल क्वानिटल यानी चोटी जो महिलाएं चोटी बनाती है वो चोटी का चौड़ा हिस्सा कम होना ऐसी चौड़ी रहती है कई महिलाओं की अगर ये चोटी की बात करूँ तो इतनी बड़ी चोटी है ये हिस्सा कट के सा हो गया तो ये सिम्टम्स हैं उनके कि उनके बाल झड़ रहे उनको हेयर लॉस चालू हो चुका है हेयर फॉल चालू हो चुका है ये पहला सिम्टम्स है बालों के झड़ने के लक्षण कई तरह से होते हैं महिलाओं में बालों के जो झंडने के लक्षण है वो कई तरह के होते हैं आपके सिर के बाल धीरे धीरे पतले होना महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में सरीके हैं आपके सर के बाल धीरे धीरे पतले होना गंजा भाग जो धीरे धीरे बढ़ता है अगर कहीं आपका गंजापन आ चुका है जैसा मैं दिखाऊं आपको तो अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ ये देखिए ये गंजापन है ये अगर मैं ट्रीटमेंट कुछ नहीं करता तो ये धीरे 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 पीछे बढ़ते जाता था ठीक है ये गंजे इसको बोलते हैं गंजा भाग धीरे धीरे आगे बढ़ना घटती हेयर लाइन ये जो हेयर लाइन्स होती है अगर आप महिलाओं को देखोगे तो ये हेयर लाइन्स होती है ये जो कहते हैं अपन हेयर लाइन ये हेयर लाइन घटती हुई जाती है यानी ये धीरे 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 पीछे सरकती हुई जाती है आप बहुत अच्छे से महिला है तो आप देखना आपकी हेयर लाइन आपको समझ में आएंगे आपकी हेयर लाइन पीछे सरक रही है करके हेयर हेयरलाइन समय के साथ और बढ़ती जाती है जैसा वैसा आपका फॉल होते जाता है वैसे वैसे वो हेयरलाइन बढ़ती जाती है पतली चौड़ी पतली चोटी सॉरी पतली चोटी और चौड़ा हिस्सा कोई भाग आपका जो बाल चले गया हुआ है वहाँ चौड़ा हिस्सा दिखता है ये सभी लक्षण हो सकते हैं ये सभी लक्षण हो सकते हैं इसीलिए शुरुआती दौर में आपको ये समझ में नहीं आता और अब तेज़ी से बाल झड़ते तो ये दिखाई देता है जब शुरुआत में लक्षणों की चालू हो जाते हैं स्टार्टिंग में स्टार्टिंग फेज में लक्षण आपको दिखते नहीं या दिख दिखे तो भी आप अनदेखा कर देते हैं इस और इस अनदेखा करने के कारण ये लक्षण कुछ दिन बाद बढ़ जाते हैं और आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गंजा पैच या पट्टी एक दो दिन के कुछ लोगों को हेयर फॉल तुरंत भी आता है ठीक है उसमें गंजापन यानी पैच तुरंत आ जाता है ऐसा हार्ट लगाओ तो बाल निकल जाते हैं जब आप कंगी करते हो तो बालों के गुच्छे झड़ जाते हैं बहुत सारे गुच्छे झड़ जाते आपके सर के बाल एक साथ झड़ जाते यानी मैंने कंगी किया या ऐसा हाथ घुमाया तो पूरे बाल एक साथ निकल जाते इसके अलावा भी आईब्रोज जो आईब्रोज है आई लैशेस जो लैशेस है बियर्ड दाढ़ी हमारी नोज हेयर्स नाक के अंदर के हेयर्स और प्यूबिक हेयर्स ये सभी हेयर एक साथ गिरना चालू हो जाते जिसको हम एलोपेशिया करके बीमारी का नाम देते हैं इस बीमारी में इस तरह के हेयर्स गिरते हैं क्या होता है एलोपेशिया हम आगे देखेंगे एलोपेशिया एरिटा जिसको कहते हैं अचानक बालों के झड़ने के पहले जलन या चुभना अगर किसी को एलोपेशिया एरिटा हुआ है जो एलोपेशिया मैंने आपको बताया अभी ये बाल झड़ जाते हैं ये भी झड़ जाते हैं नाक के भी झड़ जाते हैं मूछे भी झड़ जाती है दाढ़ी भी झड़ जाती है ये भी बाल झड़ जाते हैं जहां जहां बाल है सब झड़ जाते हैं हमारे शरीर के तो ये बीमारी अगर किसी को चालू हुई है तो इनको बाल झड़ने के पहले जलन या चूहन होती है तो समझिए इनको इस बीमारी के लक्षण है इंफेक्शन किसी को इंफेक्शन के कारण बाल झड़ रहे तो जहां आपके बाल झड़ रहे वहां तेज खुजली जलन हो रही है अगर यहां के आपके बाल झड़ रहे तो आपको दिखेगा कि आप बार बार खुजा रहे हो तो एक खुजली और जलन वहाँ एक होंगे आपको ये इन्फेक्शन के कारण होता है स्काल्व के ऊपर रिंग जो रिंग के हमने बात किए थे पपड़ीदार पैचेस आ जाते हैं आपको यहाँ स्काल्व के ऊपर में पपड़ी जमाई दिखेंगी और एक पैचेस दिखेंगे अक्सर घाव या फोले और मवाद भी निकलती है एक घाव हो जाता है फफोले हो जाते उसमें और उसमें से एक मवाद भी निकलती है वो हो जाता है रिंग वॉम हो गया उसके बाद होता है फॉलिकुलिटस डिक्के फॉलिकुलिटिस फॉ डिक्केलॉन्स ये भी होता है लाली सूजन और घाव में खुजली होती है सर में आपको हो गया तो घाव हो जाता है घाव में खुजली होती है लाली होती है और आखिरी होता है एक सोराइसिस सोरासिस भी आपके स्काल्प पर सोराइसिस के पपड़ीदार पैच बनते हैं अगर आपको सोरासिस काल्प का हुआ है क्योंकि सोराइसिस बहुत प्रकार का होता है तो स्काल्प का भी सोराइसिस होता है अगर वहां सोराइसिस हुआ तो पपड़ीदार पैचेस बन जाते हैं उसके बाद होता है हेयर लॉस हमारा हेयर डेटरी हेयर लॉस यानी हमारे घर में अनुवांशिक जिसको हम बोले ओ हेयर लॉस बोथ बोथ मेन एंड उबन डेवलप दिस टाइप ऑफ हेयर लॉस विच इज मोस्ट कॉमन हेयर लॉस प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इसको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आपको ये बताया मैंने इसी को कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो वंश परंपरागत हमारे यहाँ चालू है दुनिया में चालू है तो मैं स्पेशल हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा दुनिया के अंदर में हेरिडेटरी हेयर लॉस होता है जिस लॉस को हम इस तरह से देख सकते हैं इसका मतलब है कि आपको विरासत में मिले जींस है हेयर लॉस के जो जींस है आपको विरासत में मिले जो आपके बालों के रोम रोम यानी हेयर फॉलिकल्स हेयर फॉलिकल्स सिकुड़ते, जो हेयर से हेयर चालू उनको उनको सिकुड़ा, देते, सिकुड़ते हो और अंततः बालों का बढ़ना बंद होता है और आपके बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं जिससे पॉलिकल्स को हम बोलेंगे जहां से बाल हमारे बढ़ते हैं वहां से सिकुड़न आपको किशोर अवस्था से चालू हो जाती है और परिणाम कुछ दिनों बाद दिखता है ने? थोड़ा सा आप युवा हो गए तो आपको दिखेंगे कि आपके बाल पूरे झड़ रहे किशोर अवस्था से आपकी सिकुड़न चालू हो जाती है क्योंकि ये हेरिडेटरी वंश परंपरागत आपको विरासत में मिला हुआ है इसकी रीग्रोथ पॉसिबल है क्या यस इसकी रीग्रोथ पॉसिबल है इसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ट्रीटमेंट कैन हेल्प स्टॉप एंड स्लो हेयर लॉस आपने अगर कोई ट्रीटमेंट लिया तो ट्रीटमेंट आपका हेयर फॉल का लॉस को रोक सकता है और स्लो कर सकता है इट मे ऑल्सो रीग्रोथ हेयर विदाउट ट्रीटमेंट यू विल कंटिन्यू हेयर लॉस इट अगर आपने रीग्रोथ आपने हेयर uh, लॉस पे अगर कर, आपने ट्रीटमेंट नहीं किया आपके तो ये कंटिन्यू बढ़ते रहेगा और रीग्रोथ भी आपके बाल हो सकते हैं इसके अंदर में जहाँ से आपका चले गया वंश परंपरा अगर जहाँ के आपके बाल का जो पैटर्न है वहां से झड़ रहे अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो आपकी रीग्रोथ भी हो सकती है अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये गंजापन बढ़ते जाएंगे और कुछ दिनों बाद आप पूरी तरह से गंजे हो जाओगे दूसरा होता है एलोपेशिया एरिटा एलोपेशिया एरिटा क्या होता है मैंने आपको बताया तो भी बताता हूं कैसे काम करता है अचानक बाल हमारे झड़ जाते हैं हम बोलते हैं तो जब भी हमारा इम्यून सिस्टम होता है एलोपेशिया जब हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है हेयर फॉलिकल्स जो हेयर फॉलिकल्स पे हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारा एटो इम्यून सिस्टम हो जाता है वो अटैक करता है तब एलोपेसिया एरिटा की बीमारी होती है हेयर फॉलिकल्स यानी क्या होता है आउटर लेयर ऑफ द स्किन इपिडर्मिक ये जो हमारी स्किन है आउटर लेयर इसके अंदर से हेयर हेयर फॉलिकल होता है तो यहाँ वो अटैक करता है हमारा इम्यून सिस्टम ऐटो इम्यून सिस्टम जब हो जाता है वो इम्यून सिस्टम अटैक करने के कारण हमको होती है एलोपेशिया एरिटा की बीमारी जिसके कारण गंजापन हो जाता है और शरीर के हर जगह के बाल हमारे जा सकते हैं क्या इसकी रीग्रोथ पॉसिबल है यस ट्रीटमेंट में हेल्प एंड स्टॉप एंड रीग्रोथ फॉल अगर आप ट्रीटमेंट करते हो इस चीज की तो आपकी हेयर ग्रोथ पॉसिबल है आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा और वापस आपकी हेयर की रीग्रोथ हो जाएंगी इसके बाद क्या होता है कैंसर कैंसर में जिनको केमोथेरेपी ट्रीटमेंट दी जाती है उनको भी लाइट केमोथेरेपी जिसके कारण उनके हेयर फॉल होते हैं हेयर लॉस होता है लेकिन जैसे उनकी ट्रीटमेंट बंद हो जाती है लाइट देना बंद हो जाता है केमोथेरेपी देना बंद हो जाता है तो कुछ दिनों बाद उनके बाद वापस आ जाते हैं ठीक है थीके? लेकिन जो भी कैंसर पेशेंट है जिनको केमोथेरेपी के थ्रू जाना है उनको वियरिंग ए कूलिंग कैप एक कूलिंग कैप आता है डॉक्टर से बात करें हो तो कूलिंग कैप बिफोर केमोथेरेपी करने के पहले पहनना चाहिए ताकि हेयर लॉस कम हो उसके बाद होता है चाइल्ड बर्थ इलनेस एंड अदर स्ट्रेस जब बच्चा पैदा होता है किसी की बी, कोई बीमारी है बड़ी बीमारी है आपको और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो भी हेयर लॉस होता है और फ्यू मंथस लेटर आफ्टर गिविंग बर्थ अगर कुछ महीने बाद बच्चा होने के कुछ महीने बाद महिलाओं में हेयर फॉल चालू होता है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस और हैविंग एन ऑपरेशन अगर आप इलनेस से रिकवरिंग कर रहे हो और कोई ऑपरेशन आपका हुआ है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है होता है स्ट्रेसफुल टाइम यूनवर इन यूअर लाइफ आपके जीवन में अभी स्ट्रेस चल रहा है कोई भी स्ट्रेस हो सकता है डिवोर्स हो गया किसी की डेथ हो चुकी है ऐसे बहुत प्रकार के स्ट्रेस होते हैं नौकरी चली गई बहुत सारे स्ट्रेस है तो इस कारण भी फॉल हो सकता है इसकी रीग्रेथ रीग्रोथ हो सकती है क्या यस आप इन सब चीज़ों का आपका स्ट्रेस का इलाज कर लो इन सब चीज़ों का जब आप इलाज कर लोगे इलनेस का इलाज हो जाएगा आपका तो डेफिनेटली आपकी हेयर फॉल फिर से चालू हेयर ग्रोथ फिर से चालू हो जाएंगी उसके बाद होता है हेयर केयर यदि वह आप यदि आप अपने बालों को कलर घुंगरा ले पम पर, बोलते जिसको पम करना तो आप अपने बालों को नुकसान पहुंचा रहे अगर हम हमारे बालों को कलर कर रहे और जितने भी आर्टिफिशियल कलर आते हैं केमिकल्स वाले रहते हैं इसीलिए मेरे ख्याल से अमेरिका में कलर बैन है अमेरिका में कलर नहीं मिलता हेयर कलर आपको तो अगर आप हेयर कलर करते हो पम करते हो बालों को घुघरा ले टाइट करते हो अलग अलग स्टाइल्स बनाते हो तो ये आपके बालों को नुकसान पहुंचा रहा है आप अपने बालों को नुकसान पहुंचा रहे हो समय के साथ यह नुकसान आपके बाल झड़ने का कारण बन सकता है भले आज आप यंग हो आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कुछ दिनों बाद आपने जो आज ट्रीटमेंट किया हुआ है अपने बालों के ऊपर में वो आपके बाल झड़ने का कारण बन सकता है रीग्रोथ पॉसिबल है क्या वंस यू डैमेज हेयर फॉलिकल्स अगर हेयर फॉलिकल्स यहाँ से हेयर बनते हैं बढ़ते हैं वो अगर डैमेज हो गए तो आपकी रीग्रोथ पॉसिबल नहीं है फिर से सुनिए अगर आप बालों को कलर करते हो बालों को अलग अलग पम्बिंग करते हो अलग अलग डिजाइन में बनाते हो हीट करते हो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आती है हीट ट्रीटमेंट्स और अलग अलग ट्रीटमेंट ये सब अगर आप करते हो तो आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम चालू हो सकता है कुछ दिनों बाद और हेयर फॉलिकल्स यहाँ यहाँ शरीर के अंदर के जो हेयर फॉलिकल जहाँ से हेयर निकलते वो अगर डैमेज हो गए तो फिर से आपका रीग्रोथ हेयर का नहीं हो सकता क्योंकि हेयर कॉलिकल्स होंगे तो ही शरीर का रीग्रोथ हो हेयर शरीर के हेयर का रीग्रोथ हो सकता है उसके बाद होता है हेयर स्टाइल यदि अब यदि अब, यदि, अब, यदि आप अपने बालों को कसकर पीछे के ओर खींचते बहुत से लोगों को आदत होती है ना ऐसे बाल चोटी बनाते हो ऐसे लंबे ऐसे जम से खींचते हैं ऐसी चोटी भी खींचते हैं बच्चियों की देखना आप तो ये भी एक परमानेंट हेयर लॉस का कारण बन सकता है क्योंकि इसे ट्रैक् ट्रैक्शन एलोपिशिया कहते हैं जैसे पैर में हम किसी को एक्सीडेंट हो गया तो ट्रैक्शन दिया जाता है हाथ पैर में ना कैसे बांध के रखा हुआ जाता ऐसा है ऐसा तो एक तरह का ट्रैक्शन हो गया ये ट्रैक्शन के कारण आपके फॉलिक एसिड के साथ ही जहाँ से फॉलिक आ, होते हैं हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वहीं से उखड़ जाएगा अब हेयर फॉलिकल से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो रीग्रोथ कहाँ से होंगी तो ये इसीलिए किसी के बाल खींचना नहीं चाहिए या आपको भी जब चोटी बनाते हो तो टाइट चोटी नहीं बनाना एक नॉर्मल जितना सहन हो सकता है आपको उतना ही खींचना है उसको ठीक है उसके बाद होता है हार्मोनल इनबैलेंस हार्मोनल इनबैलेंस इनबैलेंस ज्यादातर तो लेडीज में होता है जब भी उनको मोनोपोज चालू होता है तब भी ये सेम इनपोज होता है हॉर्मोनल इनबैलेंस होता है तो अ कॉमन कॉज ऑफ डिस बैलेंस इज पॉलीसाइटिक सिंड्रोम इसको जो नाम है पी ओ एस कहते हैं पॉलिसाइटिक ओवरी सिंड्रोम फीमेल प्रॉब्लम है कैन इंक्लूड हेयर लॉस ये भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है वुमन हु डेवलप हॉर्मोनल इनबैलेंस कैन डेवलप थिंग थिंनिंग हेयर ऑन हिज ऑन दिस स्कैल्प उनके स्काल्प का जो ऑन दिस स्कैल्प है ना, उनके स्काल्प के ऊपर का हेयर थीन हो सकता है अगर उनको ये प्रॉब्लम चालू हो जाता है तो जिसको पी ओ सी पॉलिसाइटिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है ट्रीटमेंट है क्या यस yes. इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट है रीग्रोथ पॉसिबल है अगर वो ट्रीटमेंट करती है पी ओ सी के ऊपर में पी ओ एस के ऊपर में ट्रीटमेंट करती है तो ये भी रीग्रोथ पॉसिबल है उसके बाद स्काल्प इंफेक्शन स्काल्प इंफेक्शन मैंने आपको बताया रिंगवॉर्म का उस तरह का कोई भी इंफेक्शन होता है उसका इलाज करो रिग्रोथ पॉसिबल है मेडिकेशन मेडिकेशन है बहुत ज़्यादा कोई दवाई ले रहे हम और वो दवाई हमको सूट नहीं हो रही है अगर डॉक्टर ने कोई दवाई आपको प्रिस्क्राइब करके दिया है और दवाई हमको सूट नहीं हो रही है उस दवाई के कारण भी हेयर फॉल चालू हो सकता है तो आपको देखना है कि उस दवाई लेने से आपको हेयर फॉल हो रहा है क्या अगर वैसा हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है डॉक्टर डॉक्टर को बोलना है इस दवाई को मुझे चेंज कर दें क्योंकि मेरे को इससे हेयर फॉल चालू हो चुका है तो उससे भी मेडिकेशन से भी आपको हेयर फॉल चालू हो सकता है ठीक है उसका स्काल्प का सोराइसिस स्काल्प में जो सोराइसिस होता है रीग्रोथ इसमें भी पॉसिबल है लेकिन हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए तो अगर आपको स्काल्प का सोराइसिस हुआ है तो सोराइसिस को वैसे भी ठीक होने के लिए काफ़ी लंबी टाइम दवाई लेनी पड़ती है लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो अभी सोराइसिस बहुत कम लोगों का ठीक हुआ है मैं मेरे घर में भी मेरे वाइफ को सोराइसिस है शरीर का हाथ का और पैर का सोराइसिस है वो ठीक हो रहा है लेकिन उसके लिए डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं हो रहा, हम रहा है हम लोग हीमोइम ले रहे हैं एक्टोमी का उससे ही ठीक हो रहा है तो इस तरह के कुछ मल्टीविटामस लेने पड़ेंगे जिससे सोराइसिस ठीक सो होगा और हेयर फॉलिकल अगर उसने डिस्ट्रॉय नहीं किए सोराइसिस ने तो ही वालों की रीग्रोथ पॉसिबल है उसके बाद लोगों की आदत आदूती पुलिंग योर हेयर बहुत से लोगों की आदूती ऐसे बाल बैठना कुछ स्ट्रेस आ गया तो ऐसे बाल पकड़ के खींचना तो ये जब खींचने वाली जो आदत होती है ना ये डिस्ट्रॉय करती है बालों को और इसमें भी रीग्रोथ तब पॉसिबल है जब आपके हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए होंगे तो तो ही रीग्रोथ पॉसिबल है अदरवाइज रीग्रोथ पॉसिबल नहीं है एक आपने एक चीज़ नहीं सुनी होंगी हेयर लॉस के बारे में वो मैं आपको बता रहा हूं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ये भी लेफ्ट अनट्रीटेड कैन कॉज पैच हेयर लॉस ऑन द स्काल आईब्रोज बियर्ड एंड एल्सवेयर जब हम सेक्चुअल ट्रांसमिशन होता है तब भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं अगर उनको कोई इन्फेक्शन है सिर्फ एच एक इन्फेक्शन नहीं होता उस तरह के कई और इन्फेक्शन भी होते हैं ये अगर इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन के कारण भी हेयर लॉस चालू होता है और इस तरह के हेयर लॉस में भी आईब्रो से लेके आ, दा, सभी जगह के शरीर के जहाँ जहाँ बाल है सब बाल जा सकते हैं इसको रीग्रोथ हो सकती है क्या यस डेफिनेटली इसके ऊपर रीग्रोथ हो सकती है लेकिन उसके लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का इलाज करना होगा ठीक है अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये आ, दुनिया के अंदर में बहुत से लोगों को होता है ये लेकिन <coughs> समझ में नहीं आता इसलिए इग्नोर हो जाता है ठीक है अब थाइरॉयड उसके बाद एक प्रॉब्लम होता है थायराइड थायराइड में भी गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं जब लोग बाल कंगी करते हैं ना तब ऐसे गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं लेडीज स्पेशली बात करूँ तो तो ये भी रीग्रोथ हो सकता है अगर थायराइड के ऊपर में प्रॉपरली ट्रीटमेंट लिया जाए तो फ्रिक्शन टाइट सॉक्स अगर हम फ्रिक्शन का मतलब है हम टाइट कपड़े पहन रहे सॉक्स पहन रहे जूते पहन रहे हैं इसके कारण भी हेयर लॉस होता है आपको अचंबा हुआ ना लेकिन टाइट कपड़े हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग रहते थे वो हमेशा बोलते थे कढीले कपड़े पहनिए टाइट कपड़े मत पहनो तकलीफ होती है करके भले ही उस उन्होंने उस टाइम जो बताया था वो अलग उसका नजरिया था कि अच्छा नहीं दिखता है। शरीर पूरा दिख पड़ता है लेकिन एक मेन प्रॉब्लम इसका ये भी है कि आप अगर टाइट कपड़े पहन रहे हैं तो हेयर लॉस आपको हो सकता है क्योंकि एक रबिंग होता है जब हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर एक रबिंग होता है जिसके कारण हमको हेयर फॉल होता है और रीग्रोथ पॉसिबल है क्या यस रीग्रोथ इसमें भी पॉसिबल है लेकिन उसके लिए हमको हमारा पहनावा ठीक करना होगा ठीक है उसके बाद होता है पॉइजन धीरे धीरे जहर खाने से भी बाल झड़ते हैं। पॉइजन तो आप बोलोगे पॉइजन हम खाते नहीं हैं लेकिन जैसा आर्सेनिक हो गया थैलियम हो गया पारा लिथियम इस तरह के कुछ केमिकल्स होते बहुत से चीज़ों में रहते केमिकल्स ये केमिकल्स हम जो शैम्पू यूज करते या कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं उसके अंदर भी रहते हैं ये उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर भी जाते हैं जिसके कारण भी हमको हेयर फॉल चालू हो जाता है इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं क्या हाँ कर सकते हैं ट्रीट लेकिन ये सब चीज़ें हमको बंद करनी होंगी ठीक है अब ट्रीटमेंट क्या है ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले दो चीज़ें आपको करनी है अगर आपको हेयर फॉल चालू हो चुका है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है कोई भी शैम्पू कोई भी बोला जाओ मैं तो एक हेयर केयर का प्रोडक्ट ले रहे हो शैम्पू कर रहे हो कंडीशनर कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो मार्केट से ले रहे हो बहुत सारी ऐड आती है उसके पहले आपको एक टेस्ट करना चाहिए आपका खुद का टेस्ट उसमें विटामिन्स मिनरल्स एंड अदर सप्लीमेंट्स अदर सप्लीमेंट्स जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं उसका टेस्ट करना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा फॉल है फॉल चालू हो चुका है तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के पहले आपको एक टेस्ट करना चाहिए वो टेस्ट होता है विटामिन मिनरल्स एंड अदर सप्लीमेंट्स। ब्लड टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट के बाद आपको पता चलेगा आपकी पर, आप पर्याप्त बायोटिन, आयरन या झिंक मिल रहा है क्या नहीं अगर ये ब्लड टेस्ट आप कराते तो आपको पता चलेगा आपको पर्याप्त मात्रा में बायोटिन आयरन और जिंक मिल रहा है क्या नहीं अगर इनकी कमी है तो आपको फूड सप्लीमेंट लेना होगा <coughs> बात समझो सिर्फ शैम्पू कंडीशनर ये सब लगाने से हेयर फॉल नहीं रुकेगा अगर आप में आयरन जिंक और बायोटेक की कमी है आपके शरीर के अंदर में तो भी आपको हेयर फॉल होगा आप दुनिया भर के कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी कर लो लाखों रुपए के प्रोडक्ट लगा लो तो भी आपका हेयर फॉल चालू रहेगा उसके लिए आपको इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए आपको फूड सप्लीमेंट्स चालू करना होगा जब आप फूड सप्लीमेंट्स लेंगे तो फूड सप्लीमेंट्स से आपको बहुत सारे पोषण तत्व मिलेंगे और उसके कारण आपका हेयर फॉल्स बंद होगा हेयर फॉल्स कम हो जाएगा और साथ ही साथ कुछ लोग मल्टीविटाम भी लेने की सलाह देते जिसके कारण भी आपका फॉल्स बंद हो जाता है उसके बाद एनी हेयर लॉस शैम्पू हेयर लॉस शैम्पू भी आते हैं उससे काम करता है क्या सम प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिव जो कुछ प्रोडक्ट्स है जो विदाउट केमिकल्स वाले इफेक्टिव है सेफ्टी एंड इफेक्टिवली ट्रीट अ फ्यू कॉजेज ऑफ हेयर लॉस कुछ कॉजेज हैं हेयर लॉस के अब आप बोलोगे कि हर चीज़ को जैसा पॉइजन हो गया तो इसको तो आप जैसे ऐसे करोगे तो यानी पॉइजनस चीज़ें खाना बंद करोगे लगाना बंद करोगे चेहरे पर तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा लेकिन थायराइड है किसी को अगर वो बोलता है कि मैं शैम्पू यूज करूंगा और थायराइड मेरे को थायराइड भी है तो मेरा हेयर फॉल रुक जाना चाहिए तो ऐसा नहीं होगा पहले थायराइड पर उसको इलाज करना पड़ेगा किसी को थायराइड है तो थायराइड का इलाज भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ शैम्पू और कंडीशनर अच्छे कंपनी के यूज करना पड़ेगा तो उसका हेयर फॉल रुक जाएगा इसी तरह से किसी को स्काल्प का इन्फेक्शन है तो स्काल्प के इन्फेक्शन पे जो स्काल्प केयर की जो चीज़ें आती है वो यूज़ करनी पड़ेंगी सोराइसिस है तो सोराइसिस का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर लगाने से सोरासिस हो है आपको स्काल्प का और सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर आप लगा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरे बाल झड़ना बंद नहीं हो रहे तो कैसे बंद होंगे आपने ट्रीटमेंट किया आप में विटामिन मिनरल कमी है सप्लीमेंट्स की कमी है शरीर के अंदर में और आप बोल रहे हो कि मैं बहुत अच्छा शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद भी मेरे बाल झड़ रहे तो झड़ेंगी ना आपने चेक कहाँ किया आपने विटामिन चेक कहाँ किया क्योंकि तो एतोमी के प्रोडक्ट पूरे हंड्रेड परसेंट हर्बल है उसके बाद भी लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि मेरा हेयर फॉल नहीं रुका कुछ तो।, तो उनका नहीं रुकने का कारण ये होता है कि उनकी जो बीमारी है वो बीमारी का इलाज ही नहीं कर रहे तो काल पे पपड़ी जमा हो जाती है बहुत सारी तो लोगों को लगता है कि रूसी की पपड़ी जमा हो गई है पहले डॉक्टर को तो दिखाओ किसी का इन्फेक्शन है क्या या सोरासिस तो नहीं है अगर ये होगा तो उसका ट्रीट आपको करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा ना ठीक है अब बात करें कि कुछ पीपल को जो हेरीडेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं हेयर लॉस के वो भी शैम्पू अच्छे शैम्पू और अच्छे कंडीशनर अगर यूज़ करते हैं तो वो भी ट्रीट हो सकता है ठीक आप एक बात करते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे रोज पचास से सौ बाल झड़ते हैं तो ये क्या नॉर्मल है क्या इट इज नॉर्मल टू लूज सम हेयर यस इट्स नॉर्मल अगर आपके कुछ बाल झड़ रहे तो ये नॉर्मल है बिटवीन फिफ्टी टू हंड्रेड पचास से लेकर सौ तक अगर पर डे आपके बाल झड़ रहे तो वो इस कारण होता है कि अवर बॉडीज कंटिन्यूली ग्रो न्यू हेयर हमारे शरीर कंटिन्यूली नए बाल बनाता है एंड शेड ऑफ हेयर और पुराने बालों को झड़ाता है नए बालों को उगाता है डिस शेडिंग इज नॉट ए साइन ऑफ हेयर लॉस ये जो शेडिंग है यानी पचास से सौ बाल आपके लोग रोज झड़ रहे तो ये कोई हेयर लॉस का शेडिंग नहीं है अब हम बात करें तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना ये दिखाता हूं मैं आपको देखिए ये शैम्पू है यह या एटोमी का हर्बल शैम्पू यह हंड्रेड परसेंट हर्बल शैम्पू है ठीक है यह हर्बल शैम्पू उनको यूज़ करना चाहिए जिनके बाल हेर प्रॉब्लम जिन लोगों को है बाकी स्काल्प रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है बालों में खुजली नहीं है अंदर में पे या रूसी नहीं है इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उन लोगों को ये यूज़ करना चाहिए इसमें एक एटोमी का हेयर ट्रीटमेंट भी आता है ठीक है साथ ही साथ इसके अंदर एक टॉनिक आता है टॉनिक आपके हेयर फॉलिकल्स तक जाके उनको रीग्रोथ करने में मेंटेन करेगा आपको इसका एक आ, ये देखेंगे आप कंडीशनर है ठीक है कंडीशनर इसमें नहीं आता लेकिन कंडीशनर मैंने अलग से लिया था कंडीशनर भी दिखाता हूं दूसरा आता है हमारे पास स्काल्प केयर का एक स्काल्प केयर का ये कंडीशनर है ठीक है और स्काल्प केयर का ये शैंपू है आपको स्काल्प रिलेटेड कुछ भी इशू होंगे तो आपको ये बालों के पे लगाना है स्काल्प पे लगाना है स्काल्प केयर आपको स्काल्प और बालों पे लगाना है नॉर्मल शैम्पू जो है वो स्काल्प पे नहीं लगाना है आपको कंडीशनर भी कभी भी स्काल्प पे नहीं लगाना है आपको स्काल्प केयर वाला आप लगा सकते हैं लेकिन दूसरा जो कंडीशनर है वो सिर्फ आपको ये बालों के नीचे वाले हिस्से में लगाना अगर आपके बाल बड़े हैं तो इतने हिस्से में आप लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ देंगे और जो आप शैम्पू लगाओगे तो शैम्पू भी ऊपर ऊपर लगाना है आपको स्काल्प पे नहीं जाना चाहिए जो नॉर्मल शैम्पू है उसकी बात कर रहा हूं और हमेशा शैम्पू डायरेक्ट आपको नहीं लगाना है शैम्पू को आपको डायल्यूट करके पानी में उसके बाद लगाना है आपके सर के ऊपर में ठीक है अब बात करें पैसे की ठीक है तो ये जो केयर सेट आता है ये आता है अट्ठावी सौ रुपए का ये जो केयर सेट आता है ना ये अट्ठावी सौ रुपये का आता है अब मैंने जब लाया था ये पिछले साल 2020 में नवंबर में जब लॉन्च हुई थी कंपनी 11 नवंबर को उस टाइम मैंने ऑर्डर किया था और तो दस एक दिन में आ गया था मेरे पास तो नवंबर से बात करें हम तो स्काल्पकेयर तब आया था अट्ठावी रुपये का सेट है एक उसके अंदर में अट्ठावीस रुपये के अंदर में एक शैम्पू आता है कंडीशनर आता है अगर चौदह सौ रुपये का शैम्पू है मान लेता तो हूँ मैं अट्ठावी सौ का है तो चौदह सौ का गिरा और ये शैम्पू अभी एक ये शैम्पू ठीक है ये शैम्पू और दो महीने मुझे चलने वाला है यानी बारह महीने ऑलरेडी हो चुके हैं तेरवा महीना ऑलरेडी चालू है और एक महीना चलेगा तो चौदह महीने मुझे चलने वाला है तो चौदह सो डिवाइड बाई यानी लगभग सिक्सटी सेवन रुपीज पर मंथ मुझे खर्चा आया एक साथ मुझे अट्ठावीस सौ रुपए तो लगाना पड़ा लेकिन सिक्सटी सेवन रुपीज पर मंथ मुझे खर्चा आया और ये कंडीशनर है ये दो साल और चलेगा मुझे यानी कंटिन्यू दो साल जब लाया तब से एक साल अभी हुआ और एक साल और चलेगा अगर मैं इसको भी चौदह से करूं, तो चौबीस महीने होते चौबीस महीने यानी लगभग फिफ्टी नाइन रुपीज पर मंथ का खर्चा एक उनसाठ रुपये पर मंथ का खर्चा आया और इसके ऊपर मेरे को सिक्सटी सेवन रुपीज़ पर मंथ का खर्चा आया तो आप देख लो मार्केट से मैंने कितने पैसे बचाया और साथ ही साथ मुझे हंड्रेड परसेंट ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले जिसके अंदर केमिकल्स फ्री है जो बालों की रीग्रोथ करते हैं स्काल्प का ट्रीटमेंट करते हैं साथ ही साथ बालों को पोषण भी देते हैं ठीक है अब बात करें दूसरी की दूसरा है हमारा हर्बल वाला तो हर्बल वाला जो आता है ये बारह सौ रुपये का एंड टोटल सेट आता है चार हजार एक सौ का ठीक है अब मैं इसको चार हजार एक सौ को डिवाइड करूंगा तो आ, अलग अलग चीज़ें करना पड़ेगा मुझे तो इसलिए मैंने उसको शैंपू लिया शैंपू आता है बारह सौ रुपये का इसका टोटल ये भी लगभग चौदह महीने ही चलता है तो ये एट्टी सिक्स रुपये का गिरा पर मंथ चौदह महीने चला तो छियासी रुपये खर्चा आया उसका कंडीशनर आता है सोलह सौ रुपये का ये भी चौबीस महीने चलने वाला है तो ये भी सिक्सटी सेवन रुपीज आया खर्चा ठीक है सिक्सटी सेवन रुपीज़ पर मंथ ये जो कंडीशनर है इसका ये तो पूरा भरा हुआ है अभी बहुत कम खाली हुआ है तो इसको अगर मैं दिखाऊँ आपको ये देखिए दिख पा रहा है आपको पूरा भरा हुआ है अभी तो ये कंडीशनर अभी और चलेगा एक साल तो एक साल और चलेगा तो ये सिक्सटी सेवन रुपीज़ इसके पीछे में मेरा खर्चा है पर मंथ का ठीक है उसके बाद आता है इसके अंदर में हेयर टॉनिक ये वाला ठीक है और एक आता है हेयर ट्रीटमेंट हेयर ट्रीटमेंट भी लगभग बारह महीने चलता है आठ सौ रुपए का आता है हेयर ट्रीटमेंट तेरह महीने पकड़ा मैंने बारह से तेरह महीने चलता है तो ये सिक्सटी टू रुपीज का खर्चा है पर मंथ का हेयर ट्रीटमेंट तेरह महीने चलता है सिक्सटी टू रुपीज का खर्चा है और ये हेयर टॉनिक आता है इसके अंदर में हेयर टॉनिक आपको तेरह सो रुपये का आता है हेयर टॉनिक जो लगभग सिर्फ तीन महीने चलता है तो चार सौ आपको खर्च आता है लेकिन ये हेयर टॉनिक इसलिए ज़रूरी है कि आपके हेयर फॉलिक फॉलिकल जहाँ होते हैं वहाँ तक जाके हेयर की रीग्रोथ करता है जिनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है पैचेस आ चुके उनके लिए बहुत काम का है ये चीज़ ठीक है तो आप समझ गए होंगे भले ही आपको वन शॉट में अट्ठावीस सौ रुपये या इकहत्तर फोर थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज इकतालीस सौ रुपये इन्वेस्ट करना पड़ा है लेकिन ये चीज़ें आपको बारह महीने से ले कर चौबीस महीने चलने वाली है एक साल से ज़्यादा दो साल आपको चलने वाली है एक साल के अंदर में आपको सिर्फ शैंपू रिफ़िल करना है हेयर ट्रीटमेंट रिफ़िल करना है और हर हेयर टॉनिक आपको हर तीन महीने में रिफ़िल करना है अगर आपको हेयर uh, केयर का सेट लेते हो और सिर्फ स्काल्प केयर का आपको प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ एक महीने बाद एक साल बाद तेरह महीने बाद शैम्पू लेना पड़ेगा ठीक है तो इसको कैसे यूज़ करना है क्या करना है इसके लिए मुझे आप कॉल कीजिएगा जाते कहते हैं मेरा नाम बोलूँगा समीर शरद देशकर मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटोमी अकेडमी नागपुर इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक भेजिए क्योंकि 99% लोगों का हेयर फॉल का प्रॉब्लम है और हेयर फॉल का प्रॉब्लम हमारी कंपनी एटोमी इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है वो रोकती हैं सिर्फ जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताया वो टेस्ट भी आपको करवा लेना चाहिए उसके बाद ये प्रोडक्ट आप पे 100% काम करेंगे 101 सौ एक तक का काम करेंगे जिनके ऊपर काम नहीं कर रहे प्रोडक्ट उनमें कुछ ना कुछ कमी है शरीर में उस कारण वो प्रोडक्ट्स काम नहीं कर रहे अगर किसी का हेयर फॉलिकल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं उस कंडीशन में दुनिया के कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो कोई भी दवाई कर लो वापस आपकी रीग्रोथ नहीं हो सकती यानी नहीं हो सकती फिर मिलेंगे ऐसे नए वीडियो में नमस्कार बाय बाय